अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ उस सिद्धासम दीक्षा या जिसको शून्य साधना दीक्षा या ब्रह्मांड वितरण दीक्षा, जैसा कि गायत्री मंत्र में आप देखा होगा कि भू भुव स्व महा तन तप लोक असत्यम, इन सातों लोकों में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है। आप इस साधना के माध्यम से, इस दीक्षा के माध्यम से सातों लोकों में कहीं पर भी विचरण कर सके, जिससे कि आपके शरीर को आबद्ध होने की वजह से कहीं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो सके, न ग्रह भूत प्रकार न बाहरी किसी प्रकार के आक्रमण को आपके ऊपर प्रभाव व्याप्त हो सके। आप अपने आप में पूर्ण शरीर को सुरक्षित रखते हुए इन सप्त लोकों में और समस्त ब्रह्मांड में अपने इसी शरीर के माध्यम से विचरण करते हुए उन लोकों को देख सकें, उस जीवन को प्राप्त कर सकें और जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें, उसी के पूर्व आप सिद्धासन का ध्यान करेंगे। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था, जिस प्रकार से दोनों उंगलियों को इस प्रकार से घुमा करके और सोहम बीज मंत्र के माध्यम से ये दोनों हथेलियों को यहाँ रखते हुए और आप मेरे साथ बोलेंगे ओम सोहम। आपकी आंखें बिल्कुल बंद रहे और आप इस सोहम का उच्चारण करेंगे सोहम। उच्चारण करते समय अंदर हम का पूरा विस्फोट करें, जोर से अंदर विस्फोट होना चाहिए, होटने पड़ने चाहिए। पूर्वाहासाम सिद्धासम दशनम प्रत्यक्षम साम क्रियायाम करोतो। अब के बाद में आप एक बार और वापिस सोहम की गुंजन करके केवल एक बार बिल्कुल निश्चल भाव से बैठ जाएं। उसके बाद में जो भी आपके सामने हिमालय दिखाई दे, बर्फ दिखाई दे, जो पेड़ दिखाई दे, जो पौधे दिखाई दे, जो कुछ आपको दिखाई दे, उसके बाद में आप पीसफुली केवल 2-3 मिनट जब तक मेरी ओम की ध्वनि नहीं हो तब तक पूर्ण शांत रहें, किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। पहले आप सोम की ध्वनि जितनी भी गुंजन कर सकें एक बार केवल करेंगे और बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, ना हिले नहीं, शरीर भी आपका थिरकम नहीं करे। ओम सोहम। पूर्वा शिष्यत्वं तां तुभ्यं संवर्धये।